चरवाहा है, गांव की समस्त जो गौवे हैं बछड़े हैं उनको चराने की उसको कुल परंपरागत सेवा है उसकी। उसके पूर्वज भी यही करते रहे, पूरे गांव की गौवे चराना और गांव वालों से कुछ अन्नादि की वस्त्र आदि की प्राप्ति हो जाना जिससे परिवार का निर्वाह होना। पहले ऐसा होता था, जो धनी मानी जन होते थे वो सेवक रूप में रखते थे, तो गांव के जो लोग दे सकते थे सेवाएं वो अपनी भी गौवें उसकी उसमें कर देते और उसको अन्न आदि देते जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कोई आचार विचार नहीं कि ऐसे नहाना चाहिए, ऐसी ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए। शास्त्री जब शास्त्र का ज्ञान नहीं, किसी भी तरह की कोई सत्संग नहीं, कोई भागवतिक वृत्ति नहीं, केवल गौ चराना, बिल्कुल अनपढ़ गंवार। कभी कभी वो गांव चला जाता, नहीं तो जंगल में ही गौवें चराता और कई गौशालाएं थी उन गौशालों में वो सेवा करता, कभी कभी अपने घर चला जाया करता। काफी अवस्था व्यतीत हो गई तो एक दिन गांव में भागवत हो रही थी। उस भागवत में सुना कि जीवन का परम लाभ है भगवान का नाम स्मरण करना। यदि भगवान का नाम स्मरण नहीं किया गया तो जीवन मृत तुल्य है, क्योंकि भगवान नाम जप से ही भक्ति का विशुद्ध प्रादुर्भाव होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीवित मुर्दा टहल रहा है जिसके हृदय में भक्ति नहीं, चाहे वो कोई भी हो। शरीरधारी यदि हृदय में भक्ति नहीं है प्रभु के श्री चरणों की, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो जीवित, लेकिन वो मुर्दे के समान है। उसकी जो श्वास चल रही है वो लोहार की धोकनी के समान है। उसके जो नेत्र हैं जैसे मोर पंख में नेत्र हैं लेकिन देखने के काम नहीं आते, तो वो नेत्र उसके मोर पंखे के समान व्यर्थ है। नैनन संत दृश्य नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उस जिसकी वाणी से भगवत यशगान भगवत नाम कीर्तन नहीं होता, प्रपंच की वार्ता होती रहती है, तो जिन भगवत चर्चा से रहित वाणी का वर्णन महापुरुषों ने किया है कि जी सो दादुर जी समाना, जिन नहीं करे राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। मेढक की जैसे जबान टर टर बिना किसी अर्थ की बोलती रहती है, ऐसे व्यर्थ की वाणी है जिसमें भगवान नाम भगवत लीला भगवत रूप गुणगान न किया जाए। जीवन की सार्थकता यही है। उसके हृदय में बैठ गई बात कि हमारा जीवन तो गौ सेवा में जा रहा है, कोई मातृबुद्धि से नहीं गौ सेवा कर रहा, केवल उदर पोषण का एक साधन है। उसके मन में आया इसमें तो कुछ लगता नहीं है, मैं भी नाम जपूं, लेकिन जपूं क्या, थोड़ी देर और खड़ा रहा तो वहां कीर्तन हो रहा था, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। उसके हृदय में बात बैठ गई। उसी भागवताचार्य के प्रति बहुत भावनाएं कि मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा था, आपकी कृपा से भगवान नाम का महत्व सुनने को मिला। बैठ के नहीं सुना, खड़े खड़े सुना, बस हृदय में बैठा लिया। अब इसमें कोई वेद पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, बस केवल बोलना है। शुरू कर दिया, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि। अब जो और चरवाहे लोग थे उसका उपहास करते हैं, राम कृष्ण हरि बोलता है, राम कृष्ण हरि बोलता, उपहास को सहता ना, बोलता किसी से, बस हृदय में बैठ गया। देखो वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है, वही सबसे बड़ा तपस्वी है जो निरंतर अपनी जिह्वा से नाम जप करता रहता है, किसी भी कुल का हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि उसने सारी तपस्या कर ली, उसने वेदों का अध्ययन कर लिया, उसने सारे तीर्थों का अवगाहन कर लिया, जिसकी जिह्वा पर हे हरि आपका नाम विराजमान है, भले वो चांडाल हो स्वपच हो, अहोबत स्वपच तो गरियान या जिह्वाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। कब दयानिधि जीत जाते हैं कहा नहीं जा सकता, एकदम गंवार आदमी है।
लेकिन कृपा सिंधु की कृपा हुई, उसके हृदय में नाम प्रियता जागृत हो गई। काफी समय व्यतीत, अब तो उसकी जिभ्या अनवरत बिना किसी विक्षेप के बस राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि गाय चराता, और हर समय। अब तो घर जाना भी अच्छा न लगने लगा। एक दिन गांव के कई लोग उसका उपहास कर रहे थे और वहीं से एक महात्मा जा रहे थे। वो बेचारा गंभीर भाव से खड़ा, किसी को उत्तर दे नहीं सकता, कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि कोई सूत्र बोलकर उसे चुप कर दे। गांव वाले उपहास करे, बैल की तरह घूमता है, जानवरों को चराता है और राम कृष्ण हरि बोलता है, मानो इस पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मानो इसको भगवान मिल जाएंगे। अरे तेरे जैसे को चाहे जितना नाम जप कर, नाम कीर्तन कर, कभी भगवान मिलने वाले नहीं। उसके हृदय में बहुत पीड़ा प्रकट हो रही है। जब कोई आस्थावान पुरुष डगमगाता है तो भगवान कोई न कोई रूप रख करके आते हैं, उसे संभाल लेते हैं, किसी संत के रूप में, किसी मित्र रूप में, किसी शास्त्र रूप में। वही चैप्टर सामने खुल जाएगा जिससे आपकी पुष्टता हो जाएगी, भगवान संभालते हैं। एक संत मार्ग से जाया करते थे, वो खड़े होकर सुने, नजदीक गए और जो उपहास कर रहे थे उन लोगों से कहा, तुम लोगों को पता है कैसे भी कोई नाम जप करे, जरूरी नहीं कि वो स्नान करे हो तभी वो ऐसा पवित्र, ऐसा कोई नाम के लिए तो अपवित्र अपवित्र हुआ, सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुनरेकाक्षम सवायाभ्यंतर सुचि। वो वाह और अभ्यंतर में परम पवित्र हो जाता है, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, कैसी भी परिस्थिति हो, जो कमल नयन भगवान श्री हरि का नाम जप करता है वो बाह्य और अंतर दोनों से पवित्र हो जाता है। वो पवित्र ही नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो समस्त लोकों को पावन करने वाला बन जाता है। गोपाल चरवाहा से संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम्हें भगवान मिलेंगे। ये क्या जाने, ये मूढ़ लोग हैं। भाव कुभाव अनख्याल शहु, नाम जपत मंगल दिशित शहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस्य से, उपहास करने के लिए, संकेत में, प्रयास में, कैसे भी कोई भगवान नाम उच्चारण करे, निश्चित उसका मंगल होता है। क्या मंगल होता है, समस्त अशुभों का नाश होकर के उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसे से गंगा किनारे भ्रमण करने पर संतों के दर्शन हुए, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और ब्रह्म तेज से संपन्न पाए गए। जब वो बोलते तो वेदांत के सूत्र उनकी सरल भाषा में निकलते, जो वो बोल रहे वही देख लो वेदांत में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि प्राणों का निरंतर जप करते तो प्राणों से समस्त वेद प्रकाशित हो गए। कितने ऐसे संत देखे गए जो रामकृष्ण भगवान नाम उच्चारण करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। देखो वाल्मीकि जी तो मरा मरा ही बोलते थे, और कितने महान ऋषि, कितने महामहिमा में कवि, जो भगवान की अद्भुत लीलाओं का, श्री राम की अद्भुत लीलाओं का गान किया। भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता, पर विश्वास, दृढ़ता। आज इसकी दृढ़ता हिल रही थी। ये नास्तिक जन उपहास करके उसको उसकी निष्ठा से विचलित कर रहे थे। ऐसा सबके जीवन में होगा, पक्का विश्वास कर लीजिए। जैसे जैसे आप भगवत मार्ग में चलेंगे तो ये ऐसे प्रतिकूल विधान करने वाले लोगों को माया आपके पास भेजेगी, जो आपकी निष्ठा से आपको विचलित कर दे। क्या हुआ इतने दिनों तक नाम जप करते रहे, क्या मिला तुम्हें, अरे सब बकवास है, क्यों लगे हो। वो आपको ऐसे डिगाने की चेष्टा करेंगे। आप यदि धैर्य पूर्वक चले तो निश्चित विश्वास कर लीजिए, आगे जो आने वाला महामोद का समय आने वाला है। ये ऐसी महाआनंदमय स्थिति आने वाली है कि आप नाच पड़ोगे, पर कुछ समय तक के लिए कोहरा है। ऐसा सूर्य उदय हो गए पर कोहरे के कारण नजर नहीं आ रहे, अपने को लग रहा है अंधेरा है, लेकिन नहीं, सूर्य उदय हो गया है। जिस समय कोहरा छटेगा तो आपको दिखाई देगा कि आप सूर्य कितना प्रकाशित हो चुका है, आप जान नहीं पाए थे। हमारे नेत्रों के सामने कोहरा है, सूर्य के सामने नहीं। सूर्य के सामने इसकी ताकत नहीं, हमारे नेत्रों के सामने है। ऐसे ही हमारे नेत्र सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपी कोहरे से ढके हुए हैं। जिस दिन नाम के प्रताप से कोहरा हटेगा तो आप देखोगे कृपा रूपी सूर्य उदय हो चुका है।
आपके लिए दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई है। अब मोह अंधकार, ये अविद्या का अंधकार अब आपको जन्म मरण रूपी महान क्लेश नहीं दे पाएगा। गोपाल चरवाहे से कहा उन संत भगवान ने, एक काम कर